जम्मू कश्मीर के रुझानों में एनसी कांग्रेस की सरकार, महबूबा की पीडीपी हो गई साफ, नतीजों पर क्या बोली पीडीपी चीफ। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए। नतीजों में जहां कांग्रेस और एनसी गठबंधन को बड़ी जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी का भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन चुनाव में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी लगभग पूरी तरीके से साफ हो गई है। पीडीपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही हैं। चुनावी नतीजों को लेकर पीडीपी चीफ ने प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस और एनसी को बधाई देते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कयादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं, और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एकतरफा मैंडेट नहीं होगा, तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल फुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की च्वाइस है, आपको लोगों की च्वाइस, जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है।